Hello, welcome to Bright Future Academy. This is part 4 of Ratio and Proportion. Part 3 parts पहले मैंने आपके साथ discuss कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो अपने basic clear कर लें part 1, part 2, part 3 में. और ये last part है मेरा part 4, इसमें से जितने भी आपके important questions बनेंगे वो आपको पूरे करवा दूंगा जो previous year में आए होंगे, ठीक है. तो चलो इस question को पहले पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकअप करवा देता हूँ कि जैसे आपका यहाँ पे टर्म यूज होगी इनकम, ठीक है. इनकम यूज होगी, एक्सपेंडिचर यूज हो गया और सेविंग यूज हो गया. तो इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. बेसिकली आपकी जो इनकम होती है ये आपकी होती क्या है, इनकम क्या होती है आपकी, आय. मतलब कोई भी जिस गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपको मंथली इनकम दे रहा है या पूरी ईयरली की इनकम होती है, ठीक है. तो उसमें से आप जब इनकम है तो उसमें से जैसे आपको पैसे मिलते हैं कोई कंपनी की तरफ से, उसमें आप क्या करते हो, कुछ चीज खर्चा करते हो और कुछ चीज सेव कर लेते हो. मतलब जो इनकम होती है वो आपके किसकी किसकी बनी होती है, आपकी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो ये इनकम का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, इनकम होती है आपकी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है. अगर यहां से मैं बताना चाहूं कि मेरी सेविंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इनकम ये एक्सपेंडिचर को इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. तो सेविंग का फार्मूला क्या हो गया मेरे पास, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मेरे पास क्या होती है, सेविंग. वैसे सिमिलरली अगर मैं खर्चा निकालूं कि मेरा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है. ये बेसिक जो फॉर्मूला है आप उतार लेना, ठीक है. मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है. क्वेश्चन में बोल रहा है वीकली इनकम ऑफ टू पर्सन है मेरे पास, कोई मैंने मान लिया ए और बी, ठीक है. टू पर्सन आर इन द रेशियो 7:3 और इनकी जो इनकम दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 7:3 एंड देयर वीकली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 5:2 और ये इनकी वीकली एक्सपेंडिचर दी है वो कितनी है, 5:2. इफ ईच ऑफ देम सेव ₹300 पर वीक. अब क्या कर रहे हैं कि सेविंग जो है ना वो हर एक बंदा कितना कर रहा है, 300 कर रहा है और 300 कर रहा है. मतलब ए भी 300 सेव कर रहा है और बी भी 300 सेव कर रहा है. इसका यही मतलब ईच ऑफ देम सेव ₹300, मतलब हर एक 300 सेव कर रहा है. तो यहाँ पे मेरे पास सेविंग आ गया, तो सेविंग कितना हो गया मेरे पास, देखो सेविंग कितना बोल रहा है, 300 ईच. ये भी 300 कर रहा है और ये भी 300 कर रहा है. पहले इसको हम अपने बेसिक मेथड से देख लेते हैं, ठीक है. वहां पे आप क्या करते हो, लेट इनकम बी 7x एंड 3x. इनकम मेरे पास कितनी आ गई, 7x और 3x, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 7x और नीचे 3x, क्योंकि रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड. रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है. ठीक है, फिर मैं कर लूंगा सेविंग. सेविंग बेसिकली मैंने एक्सपेंडिचर निकालना है. एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, इनकम माइनस सेविंग. तो ए की इनकम कितनी है, 7x, ए की इनकम कितनी है, 7x और ए की सेविंग कितनी है, 300. तो माइनस 300, ये इनकम माइनस सेविंग, तो यही कर दिया 7x माइनस 300 अपॉन में बी की इनकम कितनी है, 3x और सेविंग कितना कर रहा है, 300 और वो किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर की रेशियो. एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है, 5:2, मतलब 5 अपॉन में 2. फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 7×2=14 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7×2=14x, 3×2=600, 5×3=15x, माइनस 5×3=1500. तो ये आपका आ गया. जब आप ये 15 ये 14 उधर ले आओगे, ये 15 इधर ले आओगे, तो आपका कितना बचेगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा x, क्योंकि 15 में से 14 के तो एक ही बचा, ठीक है. 600 में से 1500 निकालो, कितने हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, ये माइनस, ठीक है. तो ये मेरे पास कितना आ गया, 900. तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 900. x की वैल्यू मेरे पास 900 आ गई. अब मुझे इनकम किसकी पूछ लिया, वीकली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन मतलब इसकी. तो देखो यार, x की वैल्यू 900 है, तो इसके पास कितने, 7x है, तो 7 × x की वैल्यू कितनी है, 900 9 × 7 कितना था, 6300. तो 6300 इसकी क्या होगी, आपकी पूरी इनकम, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन. और सेकंड पर्सन की निकालनी हो तो यहाँ पे आप 3 कर दोगे मल्टीप्लाई, 3×900 विच इज इक्वल टू 2700, ठीक है. तो अब हम देखते हैं इसको अपने बेसिक अप्रोच पे, हमने एग्जाम में कैसे करना इसको. अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हमने जैसे भी ये क्वेश्चन आया था कि इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दी हुई है, सेविंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सेविंग क्या थी, सेम थी कि ये का सेविंग 600 500 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब 7 की 2 के साथ करोगे, 7 2 जा 14 रेशो, 5 3 जा 15, बस सिर्फ यहां तक करना, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, पहले इनकम एक्सपेंडिचर जैसे करके, फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग की, मतलब 5 और ये वाली, 5 3 जा 1500, 3 2 जा 6 और ये हो गया 600, ठीक है। फिर आपने डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस चेक कैसे करना है, यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, 14 और 15 का डिफरेंस कितना, 1 का। इधर देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, 900, मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900, वन यूनिट रिप्रेजेंट 900, क्योंकि ये देखो वन डिफरेंस है, इधर डिफरेंस कितना 900, तो मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900। तो आपने इनकम निकाल लिया फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने हैं, 7 है। अगर एक पेन 9000 का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 6300, ठीक है। यहां से देखो हमने इजिली कर दिया, लेट एक्स वगैरह वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं की, बस इतना सा किया हमने, ठीक है। क्या किया हमने, इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जैसे ये 7 2 14 हो गया और 5 3 15 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है। फिर हमने एक्सपेंडिचर और सेविंग की, इधर को 5 3 15, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो ये 0 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका और इसका डिफरेंस चेक किया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 900, मेरे पास डिफरेंस कितना 900, ऊपर कितना 1, मतलब 1 की वैल्यू 900 आ रही है, ठीक है। तो मुझे इनकम बतानी है, इनकम के बाद फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के पास कितना 7 पार्ट है, एक पार्ट 900 का, तो 7 पार्ट कितने हो जाएंगे, 6300, ठीक है। तो इनकम कितनी होगी, एक ही 6300, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹5783 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट ₹28, ₹37 एंड ₹18 बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। बोला कि इतने मैंने पैसे जो डिवाइड किए थे एबीसी में, ठीक है, इन सच ए वे दैट, कि 28, 37 और 18 को मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा टोटल में से, ठीक है। टोटल में से मैं कितने पैसे डिडक्ट करूंगा, 28, 37 और 18, मतलब पैसे माइनस कर दो इसमें से ना, माइनस कर दो ये चीजें फ्रॉम रिस्पेक्टिव शेयर्स, देन दे हैव मनी इन द रेशियो 4:6:9। जब ये चीज माइनस करने पर, ठीक है, जब मैं ये 250 रुपए इसमें से, 37 रुपए इसमें से, 18 रुपए इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरी रेशियो कितनी आती है, 4:6:9। तो मुझे बताना कि ए के पास टोटल पैसे कितने थे, ठीक है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि टोटल पैसे कितने माइनस करने हैं। यहाँ पे देखो 28 है, 37 है और 18 है, ठीक है। ये कितने, 8 8 16 16 7 23, ठीक है, 2 3 2 5 और 6 और 3 और 2 8, तो 83। तो टोटल मैंने कितने माइनस करना है, 83, किसमें से, इसमें से, तो 57 ये आगे 83, तो माइनस में से 83 करना है, तो मेरे पास कितना अमाउंट बचा, अब 5700। अब मेरे पास टोटल अमाउंट बचा 5700, ठीक है। तो मेरी रेशियो कितनी बन जाती था, 4:6:9, तो मेरी रेशियो कितनी आ गई, 4:6:9, ठीक है। यहाँ पे टोटल सम आप कितना है, 5700 मेरे पास टोटल सम है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 10 और 9 19 19 यूनिट है। यहाँ पे टोटल मेरा सम कितना आ रहा है, 19, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, 5700, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 5700, ठीक है। तो एक यूनिट कितने का आ जाएगा, 19 1 19 19 3 से 57, तो 300 का, ठीक है। वन यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास कितने पैसे होंगे, अमाउंट 300, वन यूनिट रिप्रेजेंट 300, ठीक है। तो मैं निकालने किसका, फाइंड द शेयर ऑफ ए, ए के पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, तो वन यूनिट 300 का, तो 4 यूनिट कितने होगा, हो जाएंगे 1200, तो 4 पार्ट कितने हो जाएंगे, 1200, ठीक है। तो कई बच्चे वहां पे बड़े मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब हाँ हमारा आंसर आ गया 20 है, कितना 1200 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन में ऐसे होगा एक 1200, ठीक है, 1200 28 1300 D 1400, ठीक है, ऐसे ऑप्शन हो गए। तो बच्चे क्या करेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी किया 1200 लगा के आ गए, बट ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, मुझे ए का शेयर करना फाइंड टोटल, ठीक है। तो देखो यार 28 यहाँ पे भी तो थे, एक एक 28 यहाँ पे भी तो थे कुछ वैल्यू, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना होता, 1200 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 1228, तो मेरा ऑप्शन बी ठीक होता, ठीक है।
ये अमाउंट तो आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल फाइंड करना आपने, ठीक है, शेयर टोटल फाइंड करना है। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 1228 रुपये, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन ए 30 लीटर मिक्सचर। मेरे पास मिक्सचर कितना लीटर का है, 30 लीटर का, ठीक है। और उसकी जो रेशियो दिया वो कितनी दी है, 7:3, मतलब वाटर रेशियो मिल्क, वाटर रेशियो मिल्क कितना है, 7:3। टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना है, 30 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 7 और 3 कितने हो गए, 10, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है आपको, 30 लीटर, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में आपको, 30 लीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ठीक है, एक मिक्सचर में कितने लीटर होगा, 3 लीटर, मतलब 1 मिक्सचर में आपका कितना होगा, 3 लीटर होगा, ठीक है। अब यहां से देखो कि मैं वाटर में देख लेता हूँ कि वाटर में कितना लीटर होगा। देखो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 लीटर, ठीक है। तो इस पे कितने पार्ट है, 7 पार्ट है वाटर में, तो 7 × 3 कर दो कितना हो जाएगा, 27, मतलब 27 लीटर क्या होगा इसमें, वाटर होगा। तो मिल्क देख लेते हैं, मिल्क कितना होगा, 1 रिप्रेजेंट 3 लीटर, तो 3 रिप्रेजेंट 3 × 3, 9, 9 लीटर, 9 लीटर क्या होगा इसमें, मिल्क होगा, ठीक है। और 27 लीटर क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कि मतलब कि कितने लीटर वाटर एड हो इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 6:1, कि मेरी रेशियो कितनी बन जाए, 6:1 रेशियो मेरी बन जाए, ठीक है। मेरी रेशियो कितनी बन जाए, 6:1 बन जाए लास्ट में, ठीक है। तो कितना लीटर वाटर एड होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर एड, वाटर एड करना मतलब मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, वाटर ऐड करना है तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहनी है ना, सिर्फ वाटर ही ऐड होगा, मिल्क ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो मिल्क यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखना अब 6:1 पे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 9 लीटर है, 9 लीटर क्या है, मिल्क है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 9 आ जाएगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 9, तो देखो ये कितना हो गया, 9 लीटर, 9 लीटर मिल्क, 9 लीटर मिल्क यहाँ पे हो गया, 9 लीटर यहाँ पे होगा, मतलब मिल्क क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर 9 को आपने यहाँ पे किया तो 9 को आप यहाँ पे भी कर दो, तो कितना लीटर वाटर ऐड हो जाएगा, देखो 6 × 9 कितना होता है, 54, तो ये आपका आंसर होगा, 54 लीटर मिल्क जो है ना, सॉरी वाटर जो है ना वो ऐड हुआ होगा, ठीक है, 54 लीटर वाटर ऐड हुआ होगा। चलो हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को एक और देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन लिया एक और मैंने। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 4:1, ठीक है। 40 लीटर का एक मेरे पास मिक्सचर है जिसमें से आपके पास क्या है, मिल्क है और वाटर है, और उनकी रेशियो कितनी दी है, 4:1, ठीक है। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना है, 40 लीटर का, ठीक है, 40 लीटर का। तो यहाँ पे देख लो कि टोटल कितना, यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 और 1 कितना, 5, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, कितने लीटर मेरे पास, 40 लीटर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 8 से, मतलब एक मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी होगी, 8 लीटर, एक मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी होगी, 8 लीटर, ठीक है। तो देखो मिल्क के पास कितने हैं, 4 है, तो 4 × 8 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट 8 है, तो 4 कितने के हो गए, 8 × 4 कर दो कितने हो गए, 32 लीटर, 32 लीटर क्या होगा उसमें, मिल्क होगा। और वाटर देख ले, वाटर कितना होगा, तो वाटर एक यूनिट रिप्रेजेंट 8, तो 1 का कितना होगा, 8, तो वाटर कितना होगा वहां पे, 8 लीटर, 8 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। फिर देखो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है, कि वाटर कितना ऐड होगा, वाटर कितना ऐड होगा, वाटर ऐड करना है, तो इट मींस क्या होगा, मिल्क की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी मुझे, सेम करनी पड़ेगी, मिल्क की क्वांटिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, ठीक है, सेम करनी पड़ेगी। तो मेरी रेशियो कितनी हो जाती है तब, रेशियो 2:3 हो जाएगी, ठीक है, मतलब मिल्क 2 हो जाएगा, वाटर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास चेंज कौन हो रहा है, वाटर, वाटर चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, वाटर कितना ऐड हो जाए, तो मतलब मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे मिल्क कितना है, 32 लीटर है, यहाँ पे मुझे 32 बनाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मुझे मिक्सचर कितना बनाना है, 32 बनाना है मिल्क में, ठीक है, क्योंकि वाटर ऐड करना हमने, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, मिल्क में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा किस पे, वाटर, वाटर ऐड हो रहा है, यहाँ जो चीज यहाँ पे ऐड हो रही है वही चीज हमने करना, ठीक है। दूसरे को कांस्टेंट रख दो, अगर ये 32 है तो मुझे इसको भी 32 बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 16, क्योंकि 60 × 2 कितना होता है, 32, तो बन गया। अगर मैंने इसको इसके साथ 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा इसके साथ हो जाएगा, 16 × इधर भी हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना होगा, 48 लीटर, मतलब मैंने कितना कितना लीटर वाटर ऐड किया होगा,
कितना लीटर, 48 लीटर मैंने मिल्क ऐड सॉरी वाटर ऐड किया होगा, कि तब जाके मेरी रेशो कितनी होती है, 2:3 होती है। ठीक है, इसको हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा लेंथ ही चला जाएगा, ये चीज आप समझो। ठीक है, कि जो चीज आपकी ऐड हो रही है दूसरे को कॉन्स्टेंट रख दो। ठीक है, और उसको हिलाना मत। ठीक है, अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 होना चाहिए, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इसके साथ 16 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे 32 आ गया, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे 48 लीटर क्या होगा मेरे पास वाटर ऐड हुआ होगा। चलो आज का ये हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आपको, बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे या 20 पैसे कॉइन, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन रेशियो 2.5:3:4। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने क्या करना कि ये रुपीस में ना इनको आपने हमेशा पैसे में कन्वर्ट करना है। क्या करना आपने, पैसे में कन्वर्ट करना। ये आपको पता है कि ये 1 रुपए में आपके कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं, 100 पैसों से आपका क्या बनता है, आपका 1 रुपया। ठीक है, तो वैसे ही हम सभी को क्या करेंगे, पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये रेशियो दी होगी, इसको भी हम टोटल अमाउंट लेके चलेंगे। ठीक है, ये देखो हम ऐसे करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा हम ऐसे करेंगे। बैंक में क्या है, 1 रुपए वाला है, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले कॉइन है। ठीक है, और ये कॉइन की रेशियो दी थी 2.5:3:4। और जब टोटल अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट कितना होगा, आप देखो ये मैंने मान लिया कितना मेरे पास, इसको मैं 1 रुपीज को क्या मानूंगा, 100 पैसे। 1 को क्या मानूंगा मैं, 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2.5 × 100 रेशियो इसका और इसकी, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो सीधे सीधे, तो 50 × 3 और 25 × 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सीधे सीधे, 250। ठीक है, ये देखो ना 250 हो जाएगा, कैसे होगा ये, मैं डेसिमल को तोड़ूंगा, ये से ये कैंसल, 25 × 10 250। ठीक है, आगे देखो 5 × 3 = 50, ये 150 हो गया, 25 × 400, ये सॉरी 25 × 4 होता है आपका 100। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पे टोटल अमाउंट। ठीक है, और टोटल अमाउंट आपको देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपको, 210 रुपीज़। ये रुपीज है, इसको भी मैं क्या करूंगा, पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा। पहले इनको देख लो कि टोटल अमाउंट कितना, ये यूनिटरी मेथड लगा के 200, ठीक है, प्लस 100, 300, 400, 400 और 50, 50 कितने, 500। ठीक है, टोटल मेरे पास कितना हो गया, 500। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है आपको, 210, ये क्या रुपीज है, तो पैसे में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा सीधे सीधे, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 21,000, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 210,000। ठीक है, अब ये देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 42। मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42। मैंने निकाला क्या, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन के पास देखो कितने पैसे हैं, ये लो 1। ठीक है, एक के पास 42 पैसे आ रहे हैं, तो 2.5 के पास कितने पैसे हो जाएंगे, ये मुझे बताना क्वेश्चन में। ठीक है, 2.5 के पास कितने पैसे हो जाएंगे, ये बोला फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन के अंदर देखो 2.5 पैसे, ठीक है, 2.5 कॉइन, तो यहाँ पे देखो 42 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 42 × 2.5 × 25/10। ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 21 से 42 चला गया, तो ये कितना आ गया, 105। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, 105। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करें और आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे फिर से बताना, तो मैं इस पर क्या करूँगा, ये वाले ये 4-5 क्वेश्चन होंगे, इस पर मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा सिंपल सिंपल वे में फाइंड करने में। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज यहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरा नेक्स्ट चैप्टर ये होगा ना वो मेरा जाएगा या तो प्रॉफिट लॉस पे या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम उन्हीं पे बनेंगे, तो पहले मैं चैप्टर आपको वही करवाऊंगा, उसके बाद बच्चे बोल रहे थे सिंप्लीफिकेशन भी आपको करवा दूंगा बाय बोर्ड मास रूल से। ठीक है, सो कल तैयार रहना, ये वीडियो आज मैं डाल दूंगा रात तक, ठीक है, सुबह ये अपलोड हो जाएगी, तो कल आपका पॉलिटी के लेक्चर भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जीएस के भी साथ साथ करूंगा मैं, ठीक है, काफी अच्छे सर है जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको जीएस हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेडिवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंशियंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी दूसरे सर पढ़ाएंगे आपको जीएस। पॉलिटी के लेक्चर कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल वीडियो बना के उसको शाम तक या रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को पक्का क्लिक करना, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।